Hello everyone, I am Falguni Panchal. I am a new teacher of mathematics and science. I will take a lecture in science, chapter number 1. Food, where does it come from? Mehul sir has already taught about some topics which are included in chapter number 1. Their last topic is plant parts and animal produce as a food. Now further topic is what do animal eat? What do animal eat? So let's begin. Do you have cattle or pet that you take care of? आपके पास कोई भी पालतू एनिमल होगा कि जिसको हम पैम्पर करते हैं, लाइक पेट है, कैटल है, ठीक है, अ डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, सब अलग अलग तरह के मतलब कि चॉइसेस होती है एज अ पैट को पैम्पर करने के लिए. सो वी विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल एट्स. एनिमल को किस तरह का फूड चाहिए वो हम सबको और पैट इजीली पता है कि किस तरह से वो मतलब कि हर्बीवोरस है तो वो घास ग्रास खाते हैं, ग्रीन्स खाते हैं, एज अ फूड के थ्रू यूज़ करते हैं. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? ठीक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? स्क्विरल को हमने देखा है कि वो किस तरह से अपने फूड को ईट करता है, नट्स को किस तरह से खाता है, ये हमें लगता है कि कब ये ख़त्म कर पाएगा. चलो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 6 है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे आर कंज्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनिमल, एनिमल का क्या दिया है, लिस्ट दिया है और वो एज अ फूड वो किस तरह का पसंद करते हैं, कि फूड दैट द एनिमल ईट्स, किस तरह का वो फूड ईट करते हैं. चलो फर्स्ट एग्जांपल इज बफेलो. बफेलो एज अ फूड क्या खाएगा, तो ग्रास है, ऑयल केक है, ठीक है, ग्रीन्स है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ कैट, स्मॉल एनिमल लाइक रैट. रैट क्या है, स्मॉल एनिमल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कैट. तो कैट स्मॉल एनिमल को एज अ फूड वो यूज़ करेगा. बर्ड्स को भी वो अपने एज अ फूड यूज़ करता है. मिल्क क्या है, तो मिल्क भी वो एज अ फूड यूज़ करता है. रैट है, तो रैट क्या खाएगा, तो ग्रेन्स है, ठीक है, कॉटन है, वो सबको एज अ फूड यूज़ करता है. लायन है, तो मीट, मेन उसका फूड क्या है, मीट. टाइगर ऑल्सो मीट, ठीक है. स्पाइडर, तो स्पाइडर क्या खाएगा, तो स्मॉल इंसेक्ट एज अ फूड वो क्या यूज़ करता है, तो इंसेक्ट. हाउस लिजार्ड है, तो वो भी एज अ फूड क्या यूज़ करता है, तो स्मॉल इंसेक्ट्स आर अवेलेबल इन योर हाउस. काउ, तो ग्रास एज कम्पेयर बफेलो, ग्रास है, ऑयल केक है, ग्रेन्स है, वो काउ भी एज अ फूड यूज़ करती है. ह्यूमन बींग्स, तो हम तो बोल सकते हैं कि हम तो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है. ह्यूमन्स है, वो मीट भी एज अ फूड यूज़ करते हैं. एंड देन वो प्लांट्स है, देन ग्राउंड नट्स है, ग्रेन्स है, पल्सिस है, वो सारे वो एज अ फूड यूज़ करता है. बटरफ्लाई है, तो वो क्या, वो एज अ फूड क्या यूज़ करता है, पता है आपको? तो बटरफ्लाई है वो जो फ्लावर ओके, फ्लावर के अंदर शो लिक्विड्स, वो उसको क्या करेगा, एज अ फूड यूज़ करेगा. क्राउ है, तो ग्रेन यूज़, ठीक है, ग्रेन को एज अ फूड यूज़ करता है. अदर ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 7 भी दी हुई है कि हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर हियर एज अ फॉलो. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1, दिस आर कॉल्ड हर्बीवोरस. मैंने आपको बताया हर्बीवोरस मीन्स क्या, कि वो ओनली ग्रास को अपने एज अ फूड यूज़ करते हैं. जो एनिमल एज अ फूड ओनली ग्रास को यूज़ करते हैं, उस एनिमल को हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है.
देर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल. ऐसे एनिमल लाइक लायंस है, टाइगर है, वो सारे एनिमल्स कैसे हैं? तो दूसरे एनिमल को एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कार्निवर्स. दे ऑल आर ग्रुप एंड ग्रुप टू इज कॉल्ड कार्निवर्स. डू यू फाइंड सम एनिमल विच इट बोथ प्लांट एंड एनिमल? यस, फ्रॉग. फ्रॉग है वो घास को भी एज अ फूड यूज़ करता है एंड मीट. इंसेक्ट को भी वो एज अ फूड यूज़ करता है. तो दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस. ओमनिवोरस मीन्स एज अ फूड वो हर्बीवोरस की तरह भी बिहेव करता है एंड कार्निवोरस की तरह भी बिहेव करता है. ओमनिवोरस मीन्स वो एज अ फूड ग्रास भी यूज़ करता है एंड मीट मीन्स अदर एनिमल्स को भी एज अ फूड वो यूज़ करता है. तो उस एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. हर्बीवोरस में हम काउ को इंक्लूड कर सकते हैं, कार्निवोरस में लायन एंड ओमनिवोरस में डॉग. ऐसे कई सारे अदर एग्जाम्पल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि हर्बीवोरस में काउ है, बफेलो है. हर्बीवोरस में कौन कौन से आएंगे? काउ, बफेलो, डियर. ठीक है, कार्निवोरस में लायन, टाइगर. ठीक है, नाउ वी नो दैट देर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड. वी नीड टू फाइंड अ वे by which more food can be produced in the country. कई ऐसे areas हैं, कई ऐसे countries हैं जहाँ पर हर एक को उसके sufficient food नहीं मिलता. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें as possible as, ठीक है, how to produce more and more food, how to be convenient the country to prepare a food, that will not be enough. We will need to find a way. हमें ऐसे रास्ते, ऐसे वेज फाइंड करने चाहिए जैसे जिससे हम फूड की जो प्रिपेयर करने की शॉर्टेज है उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें. इज मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. हमें ईजिली अवेलेबल हो सके, इस तरह से हमें ऐसे वेज फाइंड करने चाहिए कि सबको ईजिली फूड मिल सके. ठीक है बेटा, चलो ऐसे आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा. टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड. सेकेंड चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड. वी विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो. ओके.